तो स्टूडेंट्स आपका स्वागत है एक बार फिर, और हम लेकर आए हैं 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का लेसन नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आइए शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12, व्हाट इज द नंबर। अब देखिए यहां पर हमें यह कहा गया है एक रैशनल नंबर है, तो लेट्स द नंबर बी एक्स, ठीक है। लेट्स द नंबर बी एक्स, देखिए अननोन नंबर हो एक्स मान लो, जो कह क्वेश्चन जिस प्रकार चल रहा है हमें एक एक स्टेप क्वेश्चन के साथ लेने हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम आगे चलेंगे, जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। पहला है रैशनल नंबर, ले लिया भाई x है, मान लेते हैं x है, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, चलो ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 5/2 से मल्टीप्लाई करो, किसे, जो नंबर है हमारे पास, ठीक है, जो नंबर हमें निकालना है, जो हम नंबर हमें पता नहीं है, ठीक है, किसी नंबर को, यानी कि इस x को, जो नंबर हम एक इंटीजर है, सॉरी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, एक रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/2 से, चलो ठीक है कर दिया मल्टीप्लाई, 5/2 से मल्टीप्लाई हो गया। एंड एड, अब उसको क्या करना है, ऐड करना है, किसके साथ ऐड करना है भाई, ऐड करना है हमें 2/3 से, किससे ऐड करना है, 2/3 से, ठीक है भाई ऐड कर दिया, हमें क्या मिलेगा -7/12, क्या मिलेगा -7/12, ठीक है -7/12, ओके ये बन गई हमारी इक्वेशन। क्या किया हमने, सिर्फ जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया वैसे वैसे हम करते गए, ठीक है, कोई नई चीज़ की हमने, कोई नई चीज़ नहीं की, चलिए तो करते हैं आगे। तो सिंपल सी बात है, नंबर नंबर एक साइड ले लो, वेरिएबल को इधर ही रहने दो, तो 5/2x यहाँ पर रहेगा और ये वेरिएबल इधर चला जाएगा, तो -7/12 पहले से ही है, तो ये जाकर इधर क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे आप, डिनोमिनेटर अलग अलग है और फ्रैक्शन वाले नंबर है, तो हम क्या करेंगे LCM, ठीक है। और अगर आपको LCM सीखना हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके हमारा LCM वाला वीडियो देख सकते हैं। तो 3/4 = 12 एंड 2/4 = 8, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 12 बनाना है, क्यों 12 बनाना है, 3 और 12 का जो LCM है वो 12 आएगा, ठीक है। तो आइए अब करते हैं आगे, तो देखो नीचे हो गया 12 क्योंकि ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया, 7 माइनस में है और माइनस यहाँ पे 2/4 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, 5/2 का x, ठीक है 5/2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -15/12, ये क्या हो जाएगा हमारे पास -15/12, ठीक है। तो आइए आइए करते हैं, तो -15/12 है तो 12 हम काट देंगे 3 से, तो 3/4 = 12 एंड 3/5 = 15। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया 5x/2, ठीक है, यानी चाहो तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड में है, तो वो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आइए हम फ्रेश लिख लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्लियर अंडरस्टैंड होगा, 5/2x इज इक्वल टू क्या हुआ, इज इक्वल टू है -5/4, ओके। अब देखिए नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं वो डिवाइड में गिने जाते हैं, किस में गिने जाते हैं, डिवाइड में, और ऊपर जो नंबर होता है वो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का नंबर इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड का नंबर इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे, देखो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पहले से क्या है 5/4 है, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, ये 2 ऊपर 5 के साथ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का नंबर है और ये डिवाइड का नंबर है, सेम चीज़ यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई का नंबर है, ये डिवाइड का नंबर है, डिवाइड का नंबर मल्टीप्लाई के नंबर के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 2, और जो मल्टीप्लाई का नंबर है वो डिवाइड के नंबर के साथ चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो ये 5 जो है नीचे चला गया और ये जो 2 है ये ऊपर आ गया, क्लियर। तो अब क्या करेंगे भाई, 5 × 5, ठीक है, और 2 × 2 एंड 2 × 2 = 4, तो वो जो हमारा रैशनल नंबर है तो वो होगा 1/2
टू, जो हमें रैशनल नंबर पूछा गया था कि भाई वो रैशनल नंबर कौन सा है, तो वो रैशनल नंबर है माइनस वन अपॉन टू। ओके, तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें क्या कहा गया है कि लक्ष्मी एक कैशियर है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशन रुपीज 100, 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स इज 2:3:5, द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज सी हैव। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, उसके पास कुछ नोट है जो कि 100 रुपये की, 50 रुपये की और 10 रुपये की है, यानी 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ की नोट्स है कुछ। अब इन नोट्स का रेशियो दिया गया है कि 2:3:5 के रेशियो में है, तो 100 की नोट जो है वो 2 रेशियो में है और 50 की नोट जो है वो 3 में है और जो 10 की नोट है वो 5 के रेशियो में है, तो 2:3:5 के रेशियो में। तो हम सेम लिख लेंगे, 100 की नोट पहले लिखेंगे, फिर 50 की नोट लिखेंगे, फिर 10 की नोट लिखेंगे, ठीक है। तो 2:3:5, तो सबके पीछे क्या लगा लेंगे, x। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ नोट जो 100 रुपीज़ की है वो 2x है, 50 रुपीज़ की है वो 3x है और 10 रुपीज़ की है वो 5x है, क्लियर। अब हमें देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है कि 4 लाख रुपीज़ टोटल उसके पास है, तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इनके रुपए कितने बनेंगे। तो आइए निकाल लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ रुपीज़ 100 रुपीज़ नोट, तो 100 रुपीज़ के नोट की कितने अमाउंट होगी, तो भाई 100 मल्टीप्लाई बाई जितने नोट होंगे, ठीक है, नोट कितने हैं 2x, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास 100 रुपीज़ के 2 नोट्स होंगे तो कितने रुपये होंगे, 200 रुपये होंगे, 3 नोट होंगे तो 300 रुपये होंगे। कैसे पता चला आपको, उस नंबर ऑफ नोट्स को 100 से मल्टीप्लाई कर। तो हमने नंबर ऑफ नोट्स यहाँ पे कितने हैं 2x है, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया, समझ में आया। तो ये हो जाएगा 200x, ओके। अब यहाँ पर है 50 रुपीज़ नोट, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाई 3x, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 150x। अब बात आती है 10 रुपीज़ नोट की, तो एक नोट की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाई टोटल नोट है 5x इज इक्वल टू 50x, क्लियर। तो ये हो गए रुपए, ठीक है, एक नोट से बनने वाले रुपए, मतलब कि टोटल जितने भी नोट्स होंगी उनसे इतने रुपए बनेंगे, यानी 200 मल्टीप्लाई बाई एक्स रुपीस बनेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या कहता है। तो इक्वेशन इस तरह से होगा कि सारे नोट्स के जो अमाउंट है, हमें नोट्स के अमाउंट क्यों, हमने इसको नहीं लिया इसको लिया, तो देखिए सिंपल सी बात है, हमारे इक्वेशन में अमाउंट बोला गया है, क्या बोला गया है अमाउंट, कि उसके पास 4 लाख रुपए का अमाउंट है, ठीक है। तो अमाउंट बोला गया है, ना कि ये कहा गया है कि नोट के रेशियो में, टोटल नोट के बारे में कोई बात नहीं की गई है, सिर्फ इतना ही कहा गया कि नोट कुछ रेशियो में है और टोटल अमाउंट जो है वो इतना है, ठीक है। तो इसीलिए हम अमाउंट को लेंगे, क्योंकि अमाउंट को जब प्लस करेंगे तो 4 लाख आना चाहिए, ठीक है। तो आइए करते हैं, 200x प्लस 150x प्लस 50x, ये हो गए तीनों के अमाउंट इज इक्वल टू 4 लाख, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे, 200 प्लस 150 प्लस 50, ये हो जाएगा 400x इज इक्वल टू 40000, ओके 4 लाख। अब 400 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ओके तो x इज इक्वल टू हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ओके नीचे आ जाएगा 400, ओके तो जीरोस काट देते हैं, 2 जीरो कट, 4 वन जा, ठीक है 1000, तो x इज इक्वल टू क्या आया 1000, तो हमारी x की जो वैल्यू आई वो आई 1000। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, आगे देख लेते हैं। भाई नोट, ईच नोट कितने नोट हैं वो फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ नोट फाइंड आउट करना है। तो हमने नंबर ऑफ नोट क्या माने थे, ये रहे, अब इस वैल्यू को हमें यहाँ रखना है, ठीक है, वो नीचे आप वापस से लिख कर रख सकते हैं, ठीक है, मैं यहीं पे लिख के आपको बता दे रहा हूँ। तो भाई 2 × कितना 1000 इज इक्वल टू 2000 नोट होगी 100 की, अब कितना है यहाँ पर 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1000, 3000 नोट होगी किसकी 50 की, अब 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 5000 नोट होगी 10 रुपीज़ की, यानी कि कुल मिला के 2000 नोट होगी 100 की, 3000 नोट होगी 50 की और 5000 नोट होगी
टेन की। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। 15 क्वेश्चन जो है वो भी हमारे 14th क्वेश्चन की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि वहाँ पर नोट थे और यहाँ पर कॉइन्स है। तो आइए देख लेते हैं। तो आई हैव टोटल ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डेनोमिनेशन ₹1, ₹2 and ₹5, ठीक है, कॉइन के रूप में है, 1, 2 और 5 के कॉइन है। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 3 times द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, ठीक है। 2 रुपीज के कॉइन जो हैं वो 5 रुपीज के कॉइन के मुकाबले 3 times है, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है। तो देखिए, पहले तो एक तो 2 रुपीज़ के कॉइन को कंपेयर किया 5 से, तो सिंपल सी बात है, जिसके साथ कंपेयर किया होता है उसे हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब 2 रुपी को कंपेयर किया गया, क्या कंपेयर किया गया कि द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 3 times द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। तो ठीक है भाई, हम इसको ले लेते हैं 3x, 3 times है ना, तो 3x हो गया, ठीक है। अब 1 रुपी कॉइन कैसे निकालेंगे भाई, 1 रुपी कॉइन के लिए हमें कुछ बोला नहीं गया है और टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया गया है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ नोट्स नहीं था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रेशियो था, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिए हैं। तो सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, 160 है, ठीक है, 160 टोटल कॉइन है। तो उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे हम 2 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन, ठीक है। तो 2 रुपी कॉइन है 3x, तो माइनस कर लिया, और ये है 5 रुपी कॉइन। तो टोटल फाइनल आंसर क्या आएगा, 160 माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 और 1, 4x, ठीक है। तो ये जो है 160 माइनस 4x, ये होंगे हमारे 1 रुपी कॉइन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए टोटल कॉइन 160 है, उसमें से हम 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के कॉइन अगर निकाल दें तो जो कॉइन बचेंगे वो कौन से बचेंगे, 1 रुपी के कॉइन बचेंगे, ठीक है। तो टोटल तीन ही हमें, हमारे पास 3 ही डिनोमिनेशन के कॉइन्स हैं, ठीक है। तो आइए अब हम इनकी अमाउंट वैल्यू निकाल लेते हैं। अब अमाउंट वैल्यू क्यों, क्योंकि हमें इसमें कहा गया है कि हमारे पास टोटल 300 रुपये हैं, तो 300 रुपये के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, कॉइन की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि कॉइन की वैल्यू क्या है। तो देखिए, 5 रुपये के कॉइन को हम क्या करेंगे, 5 × x, तो अमाउंट जो होगी 5 रुपीज़ के कॉइन की वो हो जाएगी 5x। अब बात करें 2 रुपीज़ के कॉइन की, तो 2 रुपीज़ के कॉइन की वैल्यू होती है 2, और टोटल वैल्यू नंबर ऑफ कॉइन्स है 3x, तो ये हो जाएंगे 6x। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये 1 रुपी कॉइन है तो 1 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, हमें मल्टीप्लाई करना है 160 माइनस 4x के साथ, ठीक है। तो अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो सेम नंबर बचेगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 160 माइनस 4x, ठीक है। तो ये है हमारे वैल्यू, ठीक है, अमाउंट ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने, 300 है, तो भाई 5 के कॉइन के कितने रुपए होते हैं, 5x रुपए होते हैं, ठीक है, प्लस 6x रुपए होते हैं 2 रुपए के कॉइन के, और 160, ठीक है, माइनस 4x रुपए होते हैं 1 रुपी के कॉइन के, और टोटल सबको प्लस करने के बाद हमारे पास रुपए बनते हैं 300, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300, ओके। तो x को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 6 और 5 हो जाएंगे 11x, ठीक है, और यहाँ पर आएगा प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। अब देखिए, 160 जो है प्लस में है, वो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 300 माइनस 160। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए, ये है 11x और ये है माइनस 4x, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 11 में से 4 गया, कितना बचा, 7x, ओके, समझ में आ गया होगा। अब 7x इज इक्वल टू क्या होगा, 140, 7x क्या हुआ, 140। तो आइए x की वैल्यू निकाल देते हैं, 7x इज इक्वल टू हुआ 140, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लाई में है, तो इज इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 7 × 1 = 7, 2 = तो जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी आई, हमारी x की वैल्यू आई 20। अब हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि 1 रुपये के कॉइन कितने हैं, 2 रुपये के कॉइन कितने हैं, और 5 रुपये के कॉइन कितने हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन हमने निकाल रखा है, ठीक है, इसलिए हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे जो 5 रुपये के कॉइन है वो है 20,
पाँच रुपये के कॉइन कितने हैं 20, क्योंकि x की वैल्यू 20 आई। अब दो रुपये के कॉइन कितने हैं भाई 3 × x यानी कि 3 × 20 दैट मीन्स 60, क्लियर। और हमारे पास जो 1 रुपये के कॉइन है वो कितने हैं तो 160 − 4x − 4x, x means 20, it means 160 minus 80 is equal to 80, तो हमारे पास 1 रुपये के कॉइन है 80, तो 5 रुपीज़ के कॉइन होंगे 20, 2 रुपीज़ के कॉइन होंगे 60 और 1 रुपये के कॉइन होंगे 80। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आइए करते हैं 14th क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइज़र है, ठीक है, ऐसे कंपटीशन रखा गया था, द ऑर्गेनाइज़र ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट द प्राइज ऑफ ₹25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000, फाइंड आउट द नंबर ऑफ विनर इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो ऐसे कंपटीशन में पार्ट लिए थे, ऐसे बच्चे हैं 63, ठीक है, उनमें से कुछ बच्चे जीते हैं और कुछ बच्चे नहीं जीते। तो जो बच्चे जीते हैं उनको ₹100 का प्राइस दिया गया और जो नहीं जीते उन्हें ₹25 दिए गए, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 63, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 63, तो विनर होंगे कुछ, तो विनर को मान लेते हैं एक्स। अब नॉट विनर, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 63, तो 63 में से विनर्स को माइनस कर दीजिए, बाकी क्या हो गए, नॉट विनर होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ विनर में से क्या करेंगे हम 63 में से माइनस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं 63 है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट में से हम नंबर ऑफ विनर्स को माइनस कर देंगे, जो बचे वो नॉट विनर होंगे। तो आइए देखते हैं अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, भाई विनर को कितना रुपया दिया जा रहा है, तो 100 रुपीज़ दिया जा रहा है, एक विनर को 100 रुपीज़ दिया जा रहा है, तो 100 × x टोटल विनर को मिलेंगे 100x, ठीक है। अब बात करते हैं पार्टिसिपेंट को, पार्टिसिपेंट को दिया जा रहा है ₹25, 25, तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 माइनस एक्स से, ठीक है, 63 माइनस एक्स, तो 25 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 63 से और उसके बाद 25 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 25 को 63 से करेंगे तो 25 × 3 = 75, 5 और 25 × 6 = 150। तो जब हम 25 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1575 और माइनस करेंगे 25x से, ठीक है। जब 25 को हमने 63 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 1575 और जब हम 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 25x, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा अमाउंट, तो अमाउंट हमारा हो गया 100x प्लस कितना 1575 − 25x, टोटल मिला के अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 3000, क्लियर हुआ। ये अमाउंट हुआ जो विनर्स को दिया जा रहा है, ये अमाउंट हुआ जो नॉट विनर्स को दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली ब्रैकेट खोल देंगे, 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000, ओके। तो अब देखिए 100 में से 25 माइनस करेंगे, 100x में से 25x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 75x, ओके। और 1575 जो है वो इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 3000 माइनस 1575, तो आइए माइनस कर लेते हैं, तो ये होगा 25 और 14 यानी कि 1425, यहाँ पे आ जाएगा 75x। तो आइए अब यहाँ पर 75 क्या है, मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1425 / 75, ओके। तो आइए इसको काट लेते हैं, तो 5 × 25 = 3000 and 25 × 5 = 125, कितना बचा 7 × 175, ठीक है। तो अब ये वापस आगे कट सकता है, 3 × 1 = 3 and 3 × 9 = 27, तो हमारी x की वैल्यू आई 19, ठीक है, x की वैल्यू क्या आई 19, यानी कि 19 बच्चे विनर होंगे और
बाकी 63 में से माइनस करेंगे वो होंगे नॉट विनर। तो हमारे विनर कितने होंगे 19 और नॉट विनर कितने होंगे 63 माइनस 19 तो ये हो जाएंगे 44। ठीक है 44 हो जाएंगे नॉट विनर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने 2.2 कंप्लीट किया है। और अगर अभी भी कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो।